दोस्तों, मैंने आज ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी। वो बिल्कुल फ्रंट पेज पर थी न्यूज़। न्यूज़ में आप लोग अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा सा जाकर इसके ऊपर स्टडी की कि आखिर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक गाय के पेट में से 50 किलोग्राम को प्लास्टिक को बाहर निकाला गया है। ये यहाँ पर मैं आप लोग एक ऑपरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर उस गाय के पेट में से ये 50 किलोग्राम जो प्लास्टिक है वो बाहर निकाला जा रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो है आप लोगों के सामने। जब मैंने इसको देखा इस तरीके से कि क्या क्या कंडीशन है, और प्लास्टिक ही नहीं थी ओनली यहाँ पर, ये प्लास्टिक के साथ में आप लोगों को देखना यहाँ पर अभी पिंस भी दिखाएंगे। जो पिंस निकल रहे हैं गाय के पेट में से निकाला जा रहा है, ये वही गाय है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में मॉब लिंचिंग तक होती है, लोगों को मारा जाता है। और उसी गाय को हम लोग जब सड़कों पर छोड़ देते हैं, और वही प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं, वही प्लास्टिक फिर ये गायें खाती हैं। और उसके बाद में कंडीशन क्या बनती है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये इस तरह की कंडीशन जब मैंने देखी, एक ऐसा भी केस था जहां पर 50 किलोग्राम नहीं 80 किलोग्राम गाय के पेट में से प्लास्टिक निकाली गई, और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स थी। ये तो यहां पर एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। कई सारी ऐसी गायें हैं जो ऑलरेडी मर चुकी हैं, और उनको जब एक तरीके से काटा पीटा जाता है तो उसके अंदर से भी प्लास्टिक निकाली जाती है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। और यहां पर ये बात की गई है प्लास्टिक की। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गाय के पेट में से प्लास्टिक के साथ में चुंबक के ऊपर यहां पर कील, जो पिंस होते हैं, जो ऑल पिन हम लोग यूज करते हैं ना, वो जब यहां से इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। ये वाकई में यार दिल को दहला देने वाली चीज है। आप लोग सोचिए कि इंसान के पेट के अंदर अगर एक पिन चला जाए तो कैसे रहेगा। हम लोग जानते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम लोगों को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पर लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है, इनको पता नहीं है। इनको जो भी वहां पर मिलता है प्लास्टिक में लिपटा हुआ, जो भी वहां पर हम लोग फेंक के आते हैं, उसके थोड़े खाने के चक्कर में ये पूरी प्लास्टिक चबा जाती है। और उसके बाद में आप लोगों के सामने है ये कंडीशन जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन यहां पर बन रही है, तो हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं जो हम लोग जरा जरा सी लापरवाही करते हैं, ये उसकी वजह से होता है। आप लोगों ने अभी ये एड देखा होगा काफी बार, जिसमें बात करता है छोटा बच्चा कि अरे गोरिया प्लास्टिक खा गई। और ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारी जरा सी लापरवाही। हम लोग बस में बैठते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, जरा सी देर में हम लोग जो पॉलिथीन है उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पर लेकिन ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, क्या हम लोग उनके बारे में सोचते हैं? और ये मैं आप लोगों को जानवर की बात कर रहा हूं। सेम कंडीशन जो पानी में मछलियां पाई जाती है उनके साथ में, सेम कंडीशन आप लोगों को जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं उनके साथ में देखने को मिलेगी। यहां पर एक और एक ऐसी पोस्ट ही आप लोगों के द्वारा फेसबुक पर शेयर की गई। यहां पे एक चिड़िया की, यहां पर आप लोगों के सामने चिड़िया का बच्चा है जिसके अंदर पानी या फिर कोई मेडिसिन वगैरह पंप की जा रही है, और उसके बाद में अभी देखना आप लोग इसके पेट में से यहां पर कितनी प्लास्टिक निकल के आएगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशन यहां पर चिड़िया के साथ में भी सेम ही है। बहुत सारी पशु पक्षी इस तरीके से आज के डेट में मर रहे हैं, और ये सारी किसकी वजह से हो रहा है? ये सारी हरकतें हम इंसानों की वजह से हो रहे हैं। तो ये प्लास्टिक खा के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हम लोग काट रहे हैं, इसी के साथ में हम लोग इन्वायरमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं, अगर आज की जो यंग जनरेशन है वो इसके बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के जो आज की डेट में जो फ्रंट पेज था उसी में ये आप लोगों को ये न्यूज डिस्कशन देखने को मिला, जो कि मैंने न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। तो ये तो एक अलग बात होगी, पर लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है। इसके अलावा जो मैंने जब सर्च करा था इसके बारे में, तो यहां पर एक और ऐसा है कि 80 किलोग्राम पोलिथीन वेस्ट निकाला गया गाय के अंदर से। तो ये आप लोग समझिए, तो यानी कि वही गाय है जिसका हम लोग दूध पीते हैं, यानी कि अगर इनके पेट में प्लास्टिक रहेगा तो हम लोगों के पेट में क्या जाएगा? समझ रहे हैं ना आप लोग क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर? तो ये एक ऐसा टाइम आ गया सोचने का कि आज के डेट में हम लोगों को सोचना चाहिए, वरना कंडीशन जो है, जो हम लोग ये आज के डेट में हरकतें करते हैं कि पोलिथीन प्लास्टिक फेंक देते हैं इसी तरीके से, सबसे पहले तो ये यूज करनी बंद कर दीजिए बिल्कुल। आप लोग थैला रखिए वो यूज कीजिए, वरना जो कंडीशन है ये इसी तरीके से बनती रहेगी, और आगे इसी तरीके से जीव जंतु मरते रहेंगे, और इसी तरीके से ये पृथ्वी जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है कि इसको कोई नहीं बचा पाएगा। एक टाइम ऐसा आता था, सुनते थे कि नेचर जो है वो इंसान को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर एक ऐसा एनवायरमेंट बनाया गया है। आज की डेट में अपोजिट हो चुका है, इंसान पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि इतना ज्यादा हम लोगों ने त्रासदी फैला दी है यहां पर कि इंसान को प्रोटेक्ट करना की बात आ गई है पृथ्वी को, जो कि पृथ्वी पर एनवायरमेंट ऐसा था कि वो इंसान वहां पर पैदा हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि इंसान पैदा हो रहे हैं वहां पर, एक ऐसा एनवायरमेंट था, पर लेकिन आज के डेट में इंसानों को ही प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो सोचिए किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये चीजें जो हैं उन लोगों को बताएं जो खासकर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। मुझे पता है हमारी एसएलवी फैमिली प्लास्टिक यूज नहीं करती है, पर लेकिन जो लोग यूज करें तो उनको आप लोग ये जरूर बताएं, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर आगे देखने को न मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो भी चीजें होंगी न्यूज़पेपर में चीजें आती रहती है, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।